अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू पैराग्राफ जिसका टाइटल है एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश, जिसके हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग मैं यहाँ आपके लिए लिखता जाऊँगा और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक सनती नुमाइश। एन एक इंडस्ट्रियल सनती एग्जीबिशन नुमाइश। एक सनती नुमाइश। एन एग्जीबिशन इज अ पब्लिक शो ऑफ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल थिंग्स। एन एक एग्जीबिशन नुमाइश इज है अ एक पब्लिक अवामी शो ऑफ का इंडस्ट्रियल सनती और या कमर्शियल तिजारती थिंग्स चीज़ों का। नुमाइश एक सनती या तजारती चीज़ों का अवामी शो है। द पर्पस ऑफ सच एक्सीबिशन इज टू स्टिमुलेट सेल्स। द पर्पस मकसद ऑफ का सच इस तरह की एग्जीबिशन नुमाइशों का इज है टू के लिए स्टिमुलेट बढ़ाने के लिए सेल्स बिक्री। इस तरह की नुमाइशों का मकसद है बिक्री को बढ़ाना। यहाँ पे दा इस्तेमाल किया गया है। दा हमारे पास एक आर्टिकल है जो कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। लास्ट मंथ एन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन वॉज हेल्ड इन मुल्तान। लास्ट पिछले मंथ महीने पिछले महीने एन एक इंडस्ट्रियल सनती एग्जीबिशन नुमाइश वास थी हेड मुनक्किद हुई इन में मुल्तान मुल्तान में। पिछले महीने मुल्तान में एक सनती नुमाइश मुनक्किद हुई। इट वाज नाइट टाइम व्हेन आई विजिटेड द एग्जीबिशन। इट ये वाज था नाइट टाइम रात का वक्त। ये रात का वक्त था व्हेन जब आई मैं विजिटेड गया द एग्जीबिशन नुमाइश में। द स्टार्स स्टॉल वर थे डेकोरेटेड सजाए गए एंड और वेल लिट खूब रोशन किए गए। स्टॉलों को खूबसूरत सजाया गया और उनको खूब रोशन किया गया। वेरियस गुड्स वर पुट ऑन अ डेजलिंग डिस्प्ले टू अट्रैक्ट द पब्लिक।
वेरियस कई, गुड्स चीज़ें, वर थी, पुट ऑन पर, डेजलिंग चमकती हुई, खैरा कौन, डिस्प्ले जाहिर की गई, टू के लिए अट्रैक्ट मुतवज्जा करने के लिए, द पब्लिक अवाम को। कई सारी चीज़ों को खैरा कुन अंदाज से बयान किया गया ताकि लोग मुतवज्जे हों, अवाम को मुतवज्जे किया जा सके। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। पीपल वर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्टिकल्स। पीपल लोग, वर थे, टेकिंग ले रहे, कीन गहरा गहरी इंटरेस्ट दिलचस्पी, इन में द आर्टिकल्स चीज़ों में, लोग चीज़ों में बहुत गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। यहाँ पे वर इस्तेमाल किया कि जो कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल की गई है। ये दोनों शो करवा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसके आखिर में आता, उर्दू में आता है आखिर में, रहा था, रहे थे वगैरह। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एज द रेट्स ऑफ द थिंग्स वर लो। एज क्योंकि, द रेट्स कीमतें, ऑफ की थिंग्स चीज़ों की, वर थी लो कम, क्योंकि चीज़ों की कीमतें कम थीं, पीपल लोग, वर थे बाइंग खरीद रहे, देम उनको, ईगरली शौक से, क्योंकि चीज़ों की कीमतें वहाँ पर कम थीं तो लोग वहाँ से चीज़ों को शौक से ख़रीद रहे थे। यहाँ पे वर इस्तेमाल किया गया है और साथ बाइंग आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल की गई है, जो शो करवा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, के काम हो रहा था। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। वुमेन वर टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ द डोमेस्टिक यूज़। वुमेन औरतें, खवातीन, वर थी टेकिंग ले रही थी, कीन गहरी इंटरेस्ट दिलचस्पी, इन में द थिंग्स चीज़ों में, किन में चीज़ों में, ऑफ की डोमेस्टिक घरेलू यूज़, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों में। तो आगे वो कहता है कि ख्वातीन औरतें भी बहुत गहरी दिलचस्पी ले रही थी। किस चीज़ में ले रही थी? उन चीज़ों में जो कि घरेलू काम की थी, घरेलू इस्तेमाल की थी। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर इस्तेमाल किया गया और साथ टेकिंग आईएनजी फॉर्म भी है, ये भी शो करवा रहे हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। देयर वर मैनी टॉय शॉप्स। देयर वहाँ, वर थी मैनी कई, टॉय खिलौने की, शॉप्स दुकानें, वहाँ पर कई खिलौने की दुकानें थीं। देयर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ कोई ना कोई नंबरिंग इस्तेमाल की गई हो, जिस तरह यहाँ पे शो करा रहे हैं मैनी, कई दुकानें थीं। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। फार के लिए चिल्ड्रन बच्चों के लिए, वहाँ पर बच्चों के लिए कई सारी खिलौने की दुकानें थीं। देयर वर आल्सो थ्री बिग स्टॉल्स ऑफ बुक्स। देयर वहाँ, वर थे आल्सो भी थ्री, तीन, क्या तीन थे, बिग बड़े, स्टॉल्स ऑफ के बुक्स किताबों के, वहाँ पर किताबों के भी तीन बड़े स्टॉल्स मौजूद थे। वन स्टॉल वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन लिटरेचर। वन एक स्टॉल वॉज
था फुल भरा हुआ ऑफ के बुक्स, किताबों से ऑन पर लिटरेचर अदब पर। उनमें से एक स्टॉल अदब की किताबों से भरा हुआ था, एंड अदर स्टॉल वॉज फुल ऑफ इस्लामिक बुक्स। दूसरा स्टॉल था भरा हुआ ऑफ की इस्लामिक इस्लामी बुक्स किताबों से। दूसरा स्टॉल इस्लामी किताबों से भरा हुआ था। द थर्ड स्टॉल वॉज फुल ऑफ बुक्स ऑन जनरल टॉपिक्स। द थर्ड तीसरा स्टॉल वॉज था फुल भरा हुआ ऑफ की बुक्स किताबों से ऑन पर जनरल आम से ऑन पर जनरल आम टॉपिक्स मौजूदात पर। तीसरा स्टार उन किताबों से भरा हुआ था जो कि आम मौजूदात पर थी। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। द स्टार्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द स्टार्स ऑफ के कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अट्रैक्टेड मुतवज्जे कर रहे थे अ एक लार्ज बड़ा नंबर तादाद में बड़ी तादाद में ऑफ की पीपल लोगों की। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्टॉलों ने बहुत से लोगों की तादाद को मुतवज्जे किया हुआ था। इन शॉर्ट अल मुख्तसर एवरी वन कुड फाइंड एंड बाय थिंग्स ऑफ हिज ऑन टेस्ट। इन में शॉर्ट मुख्तसर मुख्तसरन एवरी वन हर कोई कुड सकता फाइंड पा एंड और बाय खरीद थिंग्स चीज़ों को ऑफ की हिज अपनी टेस्ट पसंद की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्तसरन हर कोई अपनी मर्जी की अपनी पसंद की चीज़ों को पा और ख़रीद सकता था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर एंड हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।